चमोली से खबर है जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार और सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं पुनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना आवश्यक है ताकि कानून की जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। इस मौके पर 400 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी निर्गत किए गए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, इन और विकलांग जो कार्ड्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ चिकित्सा विभाग से शिविर जो कैंप है, स्टॉल वो लगवाया है। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम, 5 डॉक्टर्स हैं उनके, वो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने यहाँ पशु चिकित्सा से संबंधित लोगों को बीमारियों के, पशुओं में होने वाली बीमारियों के संबंध में जागरूकता और उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दवाइयाँ। इसी तरीके से समाज कल्याण विभाग यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा, वो व्हील चेयर और स्टिक्स और कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो लोगों को ज़रूरत होती है जिनकी। तो इस तरीके से एक शिविर का हमने ये आयोजन आज किया है और मुझे खुशी है कि हम अच्छा एक बहुउद्देश्यीय शिविर लगाने में